हाय एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे आज मैं आपके साथ में हाई प्रोटीन टेस्टी और क्विक बनने वाली पांच रेसिपीज़ शेयर करूंगी जिसमें आपको फर्मेंटेशन की ज़रूरत नहीं है ये झटपट से बन जाएंगी इन्हें आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए लंच के लिए या डिनर के लिए किसी भी रूप में आप इसे खा सकते हैं और ये सारी रेसिपीज़ जो हैं वो बहुत फुलफिलिंग है सारे हेल्दी इन्ग्रीडियंट्स से बनी हुई हैं तो आप इनको ज़रूर ट्राई करिए अगर ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आएगा तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए ये सारी रेसिपीज़ किड्स फ्रेंडली भी हैं बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगी अगर आपके बच्चे नमकीन खाना पसंद करते हैं तो जैसे अनहे को बहुत पसंद है तो चलिए देखते हैं पहली रेसिपी क्या है उसमें हम बनाएंगे क्रिस्पी चना दाल डोसा इसके लिए लिया है मैंने दो कटोरी चना दाल चना दाल बहुत ही हाई प्रोटीन दाल मानी जाती है इसमें मैं डालूंगी उसी कटोरी से एक कटोरी चावल आप कोई भी चावल ले सकते हैं मैंने यहाँ छोटा वाला बासमती लिया है बट चावल और दाल का जो क्वालिटी है वो डजेंट मैटर कोई भी आप ले सकते हैं बासमती भी ले सकते हैं सकते हैं सोना मसूरी भी ले सकते हैं इसको मैंने दो घंटे के लिए गर्म पानी में सोख कर दिया है आप इसको ओवर भी सोख कर सकते हैं पर दो घंटे में भी दाल अच्छे से फूल जाती है अब हम इसको एक मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफर कर लेंगे थोड़े सा धनिया और मिर्ची के साथ में इसको पीस लेंगे अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची अवॉइड कर सकते हैं और ये देखिए थिकसा बैटर बन गया है इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे आप इसमें चाहें तो और भी काफ़ी सारे मसाले डाल सकते हैं हींग डाल सकते हैं जीरा डाल सकते हैं पर मैंने सिर्फ नमक डाला है क्योंकि मैं इस पर एक थोड़ी सी फिलिंग रखूंगी वैसे ये डोसे प्लेन डोसे भी बहुत अच्छे लगते हैं और आपको इसके साथ में ज़्यादा कुछ फिलिंग की जरूरत नहीं होती है क्योंकि चना दाल थोड़ी हैवी होती है तो सफ़िशेंट होता है इसको खाना दो से तीन डोसे में आपका आराम से पेट भर जाएगा ये देखिए कितने कुरकुरे बनाए हैं इसमें हमने कोई फर्मेंटेशन नहीं किया है कोई इनो नहीं डाला है बस थोड़ी सी चटनी लगाकर इस पर मैंने पनीर की फिलिंग डाल दी है आप चाहें तो सिर्फ चीज़ भी इस पर डाल सकते हैं या सिर्फ प्याज धनिया की भी इसके ऊपर टॉपिंग कर सकते हैं इसको आप चाहें तो एक शेज़वान फ्लेवर देने के लिए भी थोड़ी वेरिएशन कर सकते हैं तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी अब हम देखते हैं इंस्टेंट मल्टीग्रेन डोसा इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करेंगे क्योंकि ये मल्टीग्रेन है तो मैंने यहाँ लिया है एक कटोरी चावल इसमें मैं डालूंगी आधा कटोरी एक खड़ा हुआ मूंग ये अगेन हाई प्रोटीन रेसिपी है तो इसमें देखिए सारे मैंने हाई प्रोटीन चीज़ें ही लिए हैं बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है तो मैंने यहाँ लिए है वन फोर्थ कप चना दाल वन फोर्थ कप ली है मैंने मसूर की दाल दो स्पून लिया है मैंने उड़द दाल और मैंने यहाँ लिया है दो स्पून मूँगफली मूँगफली पेट के दाने और दो स्पून ही लिया है मैंने यहाँ पर ब्राउन चना जो अगेन हाई प्रोटीन है बहुत इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए और इसको मैंने रात भर के लिए सोक किया है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको रात भर सोक करने की ही ज़रूरत है लाइक ब्राउन चना एंड ऑल्सो द खड़ा मूंग तो इसको अच्छे से रात भर के लिए सोक कर दीजिए नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे ये सारी चीज़ें अच्छे से पॉपअप हो गई हैं और आपका बैटर बनाने के लिए ये सारी दाल्स एकदम रेडी हैं तो इनको एक मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर लीजिए और इसका एक अच्छा सा थिक बैटर बना लीजिए इसको पीसने के टाइम पे मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा अदरक थोड़ा सा जीरा और आप इसमें डाल सकते हैं धनिया पत्ती और इसमें डाल सकते हैं मिर्ची अगेन या थोड़ा सा लहसुन भी डाल सकते हैं अगर आपको अनियन गार्लिक का टेस्ट पसंद है तो इसको अच्छे से पीस लेंगे और ये देखिए जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो हमें ऐसी चाहिए क्योंकि हम इसको फर्मेंट नहीं कर रहे हैं कोई इनो इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए हमें बैटर थोड़ा सा थिक रखना पड़ेगा ज़्यादा रनी बैटर से डोसे अच्छे नहीं बनेंगे अब हम इसे पंद्रह मिनट के लिए साइड में रख देंगे तब तक हम बनाएंगे एक फिलिंग जो है आलू की फिलिंग तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है देखिए सिर्फ दो चम्मच ऑयल में ही हम ये आलू को फ्राई कर लेंगे थोड़ी सी हींग डाली है पहले राई डाली है और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा जीरा जब ये अच्छे से चटक जाएंगे तो इसमें मैंने डाल दी है थोड़ी सी लाल मिर्च और ये मिर्च की जो तिखास होती है वो ज़्यादा ज़्यादा तीखी नहीं होती है तो आप इसको बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं खिलाने में और इसमें मैंने डाल दिया है एक चम्मच उड़द दाल एक चम्मच चना दाल इनको पहले अच्छे से क्रैकल होने देंगे फिर महीन महीन मैंने प्याज डाल दिया है तो अराउंड एक छोटा अनियन मैंने यहाँ पर रोस्ट करने के लिए डाल दिया है अनियन अच्छे से पक जाए तो इसमें थोड़ा सा हल्दी धनिया पाउडर ये सारे मसाले आप ऐड कर सकते हैं आप इसमें कोई भी वेरिएशन कर सकते हैं क्योंकि फिलिंग हमेशा अपने स्वाद अनुसार अच्छी लगती है डोसे में या चीले में तो आप इसमें कोई भी वेरिए कर सकते हैं नो प्रॉब्लम एट ऑल ये बेसिक सा मैंने एक आलू की फिलिंग बनाई है इसमें थोड़ी सी मूंगफली डाल दी है थोड़ा सा इसको क्रंची फ्लेवर देने के लिए और थोड़ा सा डाल दिया है सांभर पाउडर अब क्योंकि हम डोसा बना रहे हैं तो सांभर पाउडर के बिना तो फिलिंग का स्वाद ही नहीं आएगा तो इसीलिए बस इसमें थोड़ा सा सांभर पाउडर डाल के इसको अच्छे से रोस्ट कर दीजिए और इसमें डाल दीजिए बॉइल्ड आलू आलू हमेशा बच्चों को बहुत पसंद होते हैं तो अगर ये सब फिलिंग आप डोसे में या चीले में करते हैं तो बच्चे यूं ही खा लेते हैं जैसे अने को नमकीन चीज़ें बहुत पसंद है मीठी चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैं ये सारी वेरिएशंस करके ही उसको उसका जो प्रोटीन लेवल है वो मेंटेन रखती हूँ क्योंकि बच्चे सिर्फ और सिर्फ दाल से प्रोटीन उतना नहीं ले सकते तो अगर आप ब्रेकफास्ट में ये सारी चीज़ें बनाएंगे और अगर लंच में थोड़ी सी दाल भी खिला देंगे तो आई थिंक उनका प्रोटीन लेवल बराबर मेनटेन हो जाएगा क्योंकि हम वेजिटेरियंस के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है अब देखिए ये बैटर एकदम रेडी हो गया है आलू भी हमारे रेडी हो गए हैं पंद्रह मिनट के बाद में ये बैटर थोड़ा सा और थिक हो जाएगा अगर ज़्यादा थिक हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं बस मैंने थोड़ा नमक डाला है क्योंकि बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है बस इसको गरम स्केलेट पे आप इसको फैला दीजिए शेप्स में आप वेरिएशंस कर सकते हैं अगर आपको चीला बनाना है तो आप बच्चों को स्क्वायर शेप बनाकर भी दे सकते हैं ट्रायंगल शेप बनाकर भी दे सकते हैं आने को मैं अलग अलग शेप्स में बनाकर देती हूँ और बच्चे यूं ही देख के भी बहुत खुश हो जाते हैं तो आप ये सारे वेरिएशन अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं बस थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर दीजिए या घी से आप इसको ग्रीस कर सकते हैं और ये देखिए अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा पतला और रख सकते हैं बैटर को पर हमें थोड़ा सा थिक डोसा पसंद है या थोड़ा सा थिक चीला पसंद है थोड़ा इसमें क्रिस्पीनेस ज़्यादा आती है तो ये देखिए अच्छे से उठ रहा है अब हमने फिर से मैं रिपीट करूँगी हमने यहाँ पे कोई भी इनो नहीं डाला है कोई फर्मेंटेशन नहीं किया है इसमें कुछ और भी हमने एडिशंस नहीं किए हैं लाइक बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं ऐड किया है तो ये इंस्टेंट से डोसे आप बना सकते हैं इसमें मैंने थोड़ी सी शेजवान चटनी लगाई है और इसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा अनियन थोड़ा सा चीज़ और आपका इंस्टेंट सा मल्टी ग्रेन डोसा बिल्कुल रेडी है इसको आप चटनी या कैचअप uh, के साथ सर्व कर सकते हैं और ये देखिए क्रिस्प आपको देख के ही पता चल रहा होगा कितना क्रिस्पी है आने के लिए मैंने इसमें चीज़ डाल दिया है क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा पिज़्ज़ा फ्लेवर वाला पसंद होता है कोई भी चीज़ तो इसमें आप औरगैनो चीज़ के ऊपर डाल सकते हैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डाल सकते हैं और इसको बना सकते हैं पिज़्ज़ा के फ्लेवर में डोसा तो आई होप आपको ये भी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी चलिए देखते हैं नेक्स्ट रेसिपी अब हम बनाएंगे फाइबर रिच ओट्स उत्तपम और ये अगेन एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी है बच्चों को आप टिफ़िन में भी इसको रख सकते हैं थोड़ा ठंडा करके रखेंगे तो ये लंबे टाइम तक आ, गीला नहीं होता है ज़्यादा मॉइस्ट नहीं होता है तो इसके लिए मैं हमेशा ओट्स का पाउडर बना के रखती हूँ घर में तो बस आपको ओट्स को हल्का सा दो से तीन मिनट के लिए बहुत ही धीमी आंच पर रोस्ट कर लीजिए और इसको फिर आप पीस कर एक पाउडर बनाकर रख सकते हैं हमेशा अवेलेबल टू ईट इसमें मैंने थोड़ा सा दही डाल दिया है तो अराउंड दो कटोरी मैंने ओट्स लिया है उसमें वन फोर्थ कटोरी थोड़ा सा आप दही ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा पानी डालकर इसको एक बैटर बना सकते हैं यस मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक भी ऐड किया है और बस इसमें आप चाहें तो हींग भी ऐड कर सकते हैं इसको हम साइड में रख देंगे और तब तक मैंने थोड़ी सी चॉपिंग कर ली है यहाँ लिए मैंने थोड़ी सी प्याज थोड़ी सी पालक गाजर को ग्रेट कर लिया है और इसमें डाल दी है थोड़ी सी आ, धनिया पत्ती आप कोई भी सीजनल सब्जियां अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं ये थोड़ी सी शिमला मिर्च है फ्रोजन वाली और ये है थोड़ी सी आ, ग्रीन अनियंस जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग अनियंस तो ये सब मैंने अच्छे से ऐड कर दिया और इन सब को मैंने इसी बैटर में इंक्लूड करके थोड़ा पानी ऐड करके हमें एक थिक सा बैटर बना लेना है और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि ये सारी सब्जियां थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी की होती हैं तो और बैटर हमारा थोड़ा सा रनी है तो इसको थोड़ा मिक्स करना पड़ेगा तो इसमें मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा ब्लैक पेपर काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा सांभर पाउडर सांभर पाउडर का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है थोड़ा सा साउथ इंडियन टेस्ट देता है तो मैं ये सारी रेसिपीज़ में सांभर पाउडर ज़रूर ऐड करती हूँ थोड़ा सा इसको घी से ग्रीस कर दिया है तवे पर फैलाने के बाद तवे का जो टेम्परेचर होता है वो मीडियम टू हाई होना चाहिए ये सारी चीज़ों के लिए नहीं तो चीज़ें चिपक जाती हैं तवे पर ही क्योंकि मेरा ये नॉन स्टिक तवा नहीं है इसको दोनों साइड से अलटते पलटते हुए अच्छे से सेक लीजिए क्योंकि थोड़ा सा हम अगर इसको क्रिस्पी बनाएंगे तो इसका स्वाद और अच्छा आता है ये देखिए अच्छे से सीख गया है इसके ऊपर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा चीज और आप चाहें तो इसके ऊपर पनीर भी डाल सकते हैं या इसको प्लेन भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें हमने काफ़ी सारी वेजीज डाली हैं तो ये एनी बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है फॉर ब्रेकफास्ट ये लंच और डिनर के लिए भी काफी फुलफिलिंग है तो अगर आप लंच में बना रहे हैं तो उसके साथ में बस थोड़ा सा सांभर बना लीजिए या थोड़ी सी चटनी बना लीजिए पीनट चटनी या फिर कोकोनट चटनी और ये अपने आप में ही एक अच्छा सा मील हो जाएगा फुल फिलिंग सा तो ऐसे ही आप सारे चीले बना सकते हैं और ये देखिए कितना सुंदर भी लग रहा है कलरफुल सा इसके ऊपर वाइट चीज डलने के बाद में ये और ही कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा हो गया ये अन्य को बहुत पसंद है बच्चों की बहुत ही फेवरेट डिश है तो आप ज़रूर ट्राई करिए नेक्स्ट देखते हैं हम मूँग दाल डोसा तो ये भी बहुत ही इंस्टेंट सा हाई प्रोटीन सा डोसा हम बनाने वाले हैं तो चलिए इसकी रेसिपी झटपट से देखते हैं तो इस मूंग दाल डोसा को बनाने के लिए मैंने ये जो मूंग दाल होती है स्प्राउट्स उसको रात भर के लिए सोक कर दिया है ब्राउन चना भी मैं ऐसे ही सोक करके इसके कुछ कुछ स्प्राउट्स भी बना लेती हूँ आप चाहें तो इन स्प्राउट्स से ही डोसा बना सकते हैं दोनों को मिक्स करके बहुत ही टेस्टी बनते हैं पर मैंने आज सिर्फ ग्रीन दाल का डोसा बनाना है तो इसलिए मैंने इसको ले लिया है एक मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी डाला है बहुत ज़्यादा पानी मत डालिए थोड़ा सा नमक जीरा लाल मिर्च और और भी आप चाहें तो मसाले डाल सकते हैं थोड़ा सा धनिया डाल दिया है हरा धनिया भी और सूखा धनिया भी थोड़ी सी एलो डाल दी ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है तो अन्य भी खा लेता आराम से और ये देखिए हमारा कितने सुंदर कलर का ग्रीन कलर का बैटर बिल्कुल रेडी है तो जब तक ये बैटर हम इसको साइड में रख देंगे तब तक, तक हम बनाएंगे एक फिलिंग फिलिंग के लिए लिया मैंने थोड़ा सा प्याज थोड़ा सा धनिया और ये घर का पनीर तो इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की थी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए ड्रॉप कर दूँगी ज़रूर देखिए और आप भी ऐसे ही घर में बना सकते हैं मैं मोस्टली पनीर दही ये सब चीज़ें बाज़ार के यूज़ नहीं करती हूँ घर में ही बनाती हूँ तो रेसिपी की लिंक मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी बस इसमें थोड़ा सा पनीर ग्रेट करके डाल दिया है बहुत ही सिंपल सी फिलिंग रखी है ज़्यादा कुछ चटपट नहीं डाला है इसमें आप बेसिक से मसाले भी डाल सकते हैं या पनीर की थोड़ी एक बुर्जी बना के भी इसको एक फिलिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं तो मैंने डाल दी है नमक जीरा पाउडर और इसमें आप और भी सारे मसाले डाल सकते हैं मैं काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ यहाँ क्योंकि काली मिर्च इज़ अनदर हेल्दी ऑप्शन फॉर किड्स और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी हो गई है तो पाँच मिनट में हमारी फिलिंग रेडी हुई और पाँच मिनट हमने बैटर को रेस्ट दे दिया अब हम इसमें कुछ भी और ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी नमक जीरा ये सब कुछ ऐड कर दिया था पहले ही गरम तवे पर इसको बस फैला दीजिए अगेन हमने इसमें कोई इनो ऐड नहीं किया है कोई बेकिंग सोडा ऐड नहीं किया है और देखिए कितना क्रिस्पी है अफकोर्स एक दो चीले आपके खराब होंगे या एक दो डोसे ख़राब होते ही हैं स्टार्टिंग में तो कोई बात नहीं ये नॉन स्टिक तवा नहीं है मैं इसको आयन के तवे पर बना रही हूँ तो आपके पास अगर नॉन स्टिक तवा है तो निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा बहुत ही आसानी से वो निकाल आएंगे और ये देखिए क्रिस्पी सा डोसा बन गया है अंदर हमने थोड़ी सी चटनी लगाकर फिलिंग डाल दी है एंड इट्स ऑल गुड टू ईट तो देखिए हो गया ना आपका इंस्टेंट सा ग्रीन मूंग का डोसा अब बताइए बच्चे ऐसे तो खाते नहीं हैं तो हम इनको डोसा चीला के रूप में ही बच्चे को खिला सकते हैं और हाई प्रोटीन रेसिपीज़ इन्वॉल्व कर सकते हैं उनकी डाइट में नेक्स्ट हम देखेंगे इंस्टेंट गोभी पराठा तो गोभी को ग्रेट करना बड़ा ही मुश्किल काम लगता है बहुत ज़्यादा हाथ थक जाते हैं उसमें तो मैंने मिक्सी में इसको पीस लिया है और इंस्टेंट सा पराठा बना रहे हैं हम इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करें तो देखिए मैंने मिक्सी जार में गोभी के फ्लोरेट्स डाल लिए थे और इसको अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है बहुत महीन भी अगर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि हम इसको एनी छानने वाले हैं आप चाहें तो थोड़ा नमक डाल के इसको पाँच मिनट के लिए रख सकते हैं जिससे इसका सारा पानी बाहर निकल आएगा पर मैं फटाफट से बना रही हूं तो मैंने इसको एज इट इज हैंकी में ट्रांसफर कर लिया है या किचन टावल में आप ट्रांसफर कर सकते हैं और इसका पानी निकाल लीजिए इस पानी को फेंकिए मत हम इसको आटा लगाने में यूज़ करेंगे तो देखिए हमारी बिना पानी की गोभी बिल्कुल रेडी है आप इसमें कुछ बेसिक मसाले डाल लीजिए पर नमक अभी ऐड मत करिए क्योंकि नमक अगर हम अभी ऐड कर देंगे तो गोभी फिर से मॉइस्ट हो जाएगी नमक हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे जब पराठे की फिलिंग शुरू कर देंगे इसको बस अच्छे से मिक्स कर लीजिए थोड़ा सा धनिया और प्याज मैंने इसमें ऐड कर दिया है अगेन कुछ बेसिक मसाले आप अपनी चॉइस के डाल सकते हैं लाइक like, मैं यहाँ पे अजवाइन डाल रही हूँ क्योंकि पराठे थोड़े से हैवी होते हैं लेकिन उसका स्वाद में अजवाइन का जो टेस्ट आता है बहुत अच्छा होता है धनिया पाउडर जीरा और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पाउडर ऐड कर सकते हैं लाइक सांभर पाउडर या फिर पाव भाजी का मसाला तो यहाँ मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी वेजिटेबल जो सब्जी मसाला होता है वो तो इसे थोड़ा फ्लेवर अच्छा आता है कोई भी मसाले आप अपने चॉइस के ऐड कर सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स करके आप इसे साइड में रख दीजिए क्योंकि हमारी ये फिलिंग बिल्कुल रेडी है इसके लिए जैसे बेसिक हम पराठे का आटा लगाते हैं वैसे ही लगाया हूँ मैंने बस इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है जिससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है तो पहले उस पानी से ही गूँंदे गोभी के पानी से अगर रिक्वायर्ड हो तो बाकी आप पानी भी ले सकते हैं बस अब लास्ट में मैंने फिलिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो गई हूँ तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल दिया है गोभी में एज़ पर योर टेस्ट आप इसमें डाल सकते हैं इसको फटाफट से मिक्स करिए और झटपट से पराठे बनना शुरू कर दीजिए तो ये पराठे तो बहुत ही बेसिक पराठे हैं शुरू से हम अपने घर में खाते आए हैं गोभी के पराठे पर मम्मी को मैंने देखा हमेशा वो ग्रेट करके बनाती थी उससे फ्लेवर अच्छा आता है ऑफ़कॉर्स लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाता है तो आप ऐसे इंस्टेंट से ही गोभी के पराठे बना सकते हैं ये दो पराठे भी इतने फुलफिलिंग होते हैं ना बच्चों के लिए तो आई थिंक हाफ़ पराठा इज़ सफिशेंट तो आप ऐसे ही ट्राई करिए बहुत ही इंस्टेंट सा पराठा इसमें प्याज का भी फ्लेवर है तो बच्चों को थोड़ा सा अनियन फ्लेवर अगर पसंद है तो आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं स्प्रिंग अनियन डाल सकते हैं या कोई और बेसिक सी वेजीज लाइक गाजर या फिर शिमला मिर्च वो भी डाल सकते हैं आप इसमें एंड देखिए हमारा क्रिस्पी सा पराठा दोनों साइड से सीख कर बिल्कुल रेडी है तो आई होप आपको ये रेसिपीज़ पसंद आई होंगी इन रेसिपीज़ को मैंने बहुत ही बेसिक इन्ग्रीडियंट्स से बनाया है ज़्यादा कुछ फैंसी इन्ग्रीडियंट्स इसमें नहीं ऐड किए हैं जो भी चीज़ें हमारे घर में आसानी से अवेलेबल होती हैं सारी उन्हीं चीज़ों से बनाया है ये सारी रेसिपीज़ हाई प्रोटीन है किड्स फ्रेंडली हैं सो डू ट्राई देम एट योर होम आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है अगर अच्छा लगा है तो एक थमसप जरूर दे दीजिए चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब मत भूलिए विद द बेल आइकन मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली बाय बाय